डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड तो सबसे पहले हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ऑल साइंटिस्ट टेक सम स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के लिए जो रिसर्चर हैं वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वो स्टेप्स का मेथड बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 मेकिंग ऑब्जर्वेशन, 3 हाइपोथेसिस मेकिंग हाइपोथेसिस, 4 ड्राइंग डिडक्शन, 5 परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, 6 समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये एक क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब, एक क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब, एक मसला है, एक इशू है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी पूछ सकता है या खुद बहुत जो रिसर्चर होता है उसके माइंड में आ सकता है। नंबर 2 मेकिंग ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मतलब बनाते हैं, उसके लिए 5 सेंसेस यूज करते हैं। ईयर, ठीक है, ईयर का यूज करते हैं, आईज का यूज करते हैं, उसके बाद नोज, उसके साथ टंग, स्किन, इन सारे अज़ा का इस्तेमाल करके डेटे को उसमें कलेक्ट करना होता है, फिर उसको तरतीब देना होता है। इसके अलावा बायोलॉजिस्ट प्रीवियस रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उनको पढ़ के उनसे डाटा निकालते हैं, इस जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो उसके मतलब। नेक्स्ट इज मेकिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है वो ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन करता है। वो ऑब्जर्वेशन को बेस बना के आगे चलता है और एक स्टेटमेंट देता है। वो वाली स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन को बेस बना के स्टेटमेंट देता है, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। टेंटेटिव आंसर होता है ये बायोलॉजिकल का, तो जो तलब आंसर होता है इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या है? तो इट इज प्रपोज्ड स्टेटमेंट है टू आंसर द प्रॉब्लम। नंबर 2 हमेशा अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो हाइपोथेसिस मिलता है, अवेलेबल जो आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके मुताबिक हाइपोथेसिस बनाना चाहिए। और ये वाला हाइपोथेसिस टेस्टेड होना चाहिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और हाइपोथेसिस के अंदर इतनी लचक होनी चाहिए कि उसको डिसप्रूव भी किया जा सके। नेक्स्ट जो है 4 ड्राइंग डिडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस से लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं, वो इसको फंस कर लेते हैं हाइपोथेसिस को इज ट्रू। तो तब क्या करते हैं, इफ एंड देन की टर्म्स यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, इफ ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस देन आई विल ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन ईच सेल ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास अंडर माइक्रोस्कोप, इफ एंड देन आर यूज्ड इन
making deductions. They have to be performing experiments. Experiment basic steps है biological research या scientific research का. एक कामयाब experiment hypothesis को correct prove करता है, सही. इसके मुतबादल अगर hypothesis incorrect हो जाता है तो इसके लिए उसके मुतबादल न्यू हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत होती है. न्यू हाइपोथेसिस अगर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट के नतीजे में तो नया हाइपोथेसिस बनाएंगे. एक्सपेरिमेंट्स में दो ग्रुप होते हैं, जब भी कोई साइंटिस्ट काम करता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप. मसलन आप फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी, आप एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं. जिसको नहीं देते वो आपका जो है वो कंट्रोल ग्रुप है, जिसको देते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है. तो कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा. तो ये एक्सपेरिमेंट्स का कंपैरिजन है, कंट्रोल ग्रुप विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट. इसमें सबसे पहले आप डेटा कलेक्शन करेंगे. डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा को एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एंड न्यू आईटी बायोस्टैट. तो फिर आप किस डेटा कलेक्शन एनालिसिस के बाद आपकी फाइंडिंग आ जाएगी, जो आपने वर्क किया है फाइंडिंग को पब्लिश किया जाएगा. साइंटिफिक वर्क में आपका जो वर्क है थीसिस है उसको साइंटिफिक जर्नल में, जो आपका पेपर है साइंटिफिक जर्नल या साइंटिफिक बुक्स के अंदर पब्लिश किया जाएगा. ये आपका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल प्रूफ साबित हो जाएगा. सक्सेसफुल प्रूफ होगा. ये था बायोलॉजी क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक और चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर. तो मेरे लेक्चर को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल आसिफ नदीम 0605 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए. अल्लाह हाफिज़.